लालू जी के राज में बनिया था थोड़ा, इसमें बंदी है, चोर पकटमारी है, काला धंधा हो रहा है, गरीब के कोई के सहारे नहीं है, तो क्या कहें। देख ही रहे हैं कि बिहार में कितना दारू बिखी रहा है, कुछ काम हो रहा है। तो आपके हिसाब से जौन गली में घुसिए तो दारू या दारू नजर आता है। जी मेरे हिसाब से नेक्स्ट मुख्यमंत्री भी हमारा नीतीश कुमार ही होना चाहिए। बस नीतीश कुमार को बनाना नहीं चाहेंगे, नीतीश को नहीं बनाना चाहिए। हाँ। क्यों? क्योंकि उसका काम को मेरे को मतलब पसंद नहीं आया। पढ़ाई के रिलेटेड जो भी एजुकेशन रिलेटेड अच्छा से काम नहीं कर रहा है, और फिर क्लीनिंग में तो अच्छा ध्यान नहीं दे रहा है, इसी कारण नीतीश कुमार नहीं बनाना चाहेंगे। और फिर सुशील मोदी बना सकते हैं, सुशील मोदी को आपके हिसाब से। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तेजस्वी से तो हो नहीं सकता है। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल बिहार में इलेक्शन है और इसकी गहमा गहमी की शुरुआत हो चुकी है नेताओं के बयानबाजी और पोस्टर वार से। मगर हम लोगों के बीच आए हैं और लोगों के बीच ये जानने आए हैं कि 2020 में जो इलेक्शन होना है उसमें वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनकी क्या है राय और उनकी क्या है पसंद। तो आइए चलते हैं और हम आम लोगों से बातें करते हैं कि वो किसे बनाएंगे अपना मुख्यमंत्री। जी आपका नाम? मेरा नाम कैलाश है। तो आप इस साल किसे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं लालू जी बन जाए, मतलब तेजस्वी। हाँ। क्यों? क्योंकि लालू जी के राज में बनिया था थोड़ा, इसमें बंदी है, चोर पकटमारी है, काला धंधा हो रहा है, गरीब के कोई के सहारे नहीं है, तो क्या कहें। अच्छा, तब इसके आगे और क्या बोले? तो इसलिए तेजस्वी। हाँ, इसलिए तेजस्वी। हाँ, देख ही रहे हैं कि बिहार में कितना दारू बिखी रहा है, कुछ काम हो रहा है। तो आपके हिसाब से जौन गली में घुसिए तो दारू या दारू नजर आता है। तो आपके हिसाब से अच्छा इस सरकार रहने से कौन फायदा है? अच्छा, खाली झूठे मोटो खाता है, इधर हुआ का एप्लीकेशन दो अपने जिला में था, दारू ना बिकता है, ये ना बिकता है, लेकिन ऐसा सरकार तो चलना ठीक नहीं। तो आप भी लालू का ठीक सरकार था। अच्छा, संतिल से अपना सब लोग खाता पीता था। ओके, तो लालू मींस तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी मेरे हिसाब से नेक्स्ट मुख्यमंत्री भी हमारा नीतीश कुमार ही होना चाहिए, क्योंकि जो मैं मेन चीज़ देखता हूँ नीतीश कुमार जी में, ये सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करते हैं, और अगर सोसाइटी में किसी टाइप का अगर चेंजेस चाहिए तो शिक्षा से ही बदलाव संभव है, ये हम सबको पता है। दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि मतलब सोसाइटी को चेंज किया जा सके, वहाँ के इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सके, और उसके साथ साथ में जो मतलब पब्लिक का जो भी रिटेंशन है एक चीफ मिनिस्टर के प्रति वो चेंज किया जा सके, एक शिक्षा ही है। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फोकस करते हैं, इसके लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार? ओके, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव को। क्यों? क्योंकि वो युवा नेता हैं और नीतीश कुमार इस पिछले 5 सालों में सिर्फ रोड का विकास, शिक्षा पर विशेष ध्यान, बेरोजगारी की बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हम तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव? बस नीतीश कुमार को बनाना नहीं चाहेंगे, नीतीश को नहीं बनाना चाहेंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि उसका काम को मेरे को मतलब पसंद नहीं आया। पढ़ाई के रिलेटेड जो भी एजुकेशन रिलेटेड अच्छा से काम नहीं कर रहा है, और फिर क्लीनिंग में तो अच्छा ध्यान नहीं दे रहा है, इसी कारण नीतीश कुमार नहीं बनाना चाहेंगे। और फिर सुशील मोदी बना सकते हैं, सुशील मोदी को। हाँ। आपके हिसाब से? मैं ऐसे इंसान को बनाना चाहती हूँ अपने बिहार की मुख्यमंत्री, जो हमारे लड़कियों को सुविधा सारी सुविधा दे, एडुकेशन को एक अच्छे लेवल पे दे जाए, कोई ये ना बोले कि बिहार एक बहुत ही गरीबी से है, ऐसा ना, हमारा भी बिहार फेमस होना चाहिए। मैं ऐसे इंसान को बनाना चाहती हूँ। आप ऐसे इंसान? हाँ। को बनाना चाहते हैं? ओके, शुक्रिया आपका। आपका नाम? पीयूष। पीयूष, आप किसे बनाना चाहते हैं? अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छे उम्मीदवार थे कुछ दिनों पहले तक, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में उनका जैसा फॉर्म रहा है, जैसा काम रहा है, लोगों के प्रति उनका जैसा रुतबा रहा है, जो भी काम वाम हो रहा है या प्रॉब्लम जनता को आ रहा है उसके बीच में उसका समाधान लेके वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा अभी कोई वैसा उम्मीदवार नहीं है। कोई नया उम्मीदवार जदयू आगे करे या भाजपा ही, भाजपा में सुशील मोदी जी ज़रूर है लेकिन वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लायक नहीं है। थोड़ा सा मतलब कोई ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो जनता को समझे, उनके समस्याओं का समाधान ढूंढे, इसके लिए आ गया वैसे कोई नए उम्मीदवार को भी आगे आना होगा। ओके, आपके हिसाब से? और आपका नाम? आलोक। आलोक जी आप बताएं अपनी राय। मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम लोग डेमोक्रेसी में, तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि अगर कोई एक सरकार है तो अंधविश्वास पर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अगर मान लो अभी कोई जैसे कोई नामी कोई एक नाम का कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं दिख रहा है अभी, ऐसा बोल सकते कि नीतीश कुमार जी अच्छे थे पहले लेकिन अभी जो इनका काम है थोड़ा अब वो इतने देर हुए हैं, या फिर जो भी बोल सकते हैं उन्हें, उतना हम लोग नहीं बोल सकते अभी क्योंकि उतना भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं कि अभी अभी खुद कि अपोनेंट में जो हुए उन्हें ऐसा कुछ होना चाहिए कोई नेता जो अपोनेंट में भी खड़ा हो सके, ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है। अभी ऑप्शन तो है ही, दो ही को है ना जी, नीतीश कुमार है या तेजस्वी यादव है जी, यही है ना जी।
लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार डेवलप कर रहे हैं, हम लोग को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा है जी। लेकिन एक पे 100 है तो समझिए वो ही है। अच्छा, है ना, नीतीश कुमार ही, इससे बेटर कोई ऑप्शन तो अभी है नहीं नीतीश से। अच्छा, अभी तो फिलहाल नीतीश ही, नीतीश ही, नीतीश ही, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तेजस्वी से तो हो नहीं सकता है। अच्छा, ओके, आपका नाम? देखिए मेरा नाम इजहार है जी, और मेरे हिसाब से तेजस्वी बेहतर है। तेजस्वी बेहतर है जी, क्यों? युवा है, कुछ आएगा नया करेगा, जैसे हम युवा हैं। अच्छा, कुछ नया कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चा के लिए सोचते हैं, वो भी युवा है तो कुछ युवा के लिए सोचेगा, रोजगार निकालेगा। अच्छा, जैसे रोजगार अभी भटक रहा है आदमी यहाँ से दिल्ली पंजाब कश्मीर चंडीगढ़ कर रहा है, कुछ अपने राज्य में करेगा वो उसके लिए। मैं चाहूँगी कि इस साल बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री बने, बिकॉज मुझे लगता है जो डेवलपमेंट ओवरऑल कंट्री में हो रही है, इट्स बीजेपी हु कैन डू इट, अदरवाइज आई डाउट। ओके, आपका? मैम बीजेपी ही बनना चाहिए कि जिससे कि बीजेपी कुछ काम हो। हाँ, बीजेपी ही। ऑब्वियस बात है, कोई भी हो बीजेपी से हो। बीजेपी से? ओके, कौन कौन? कोई भी हो, कोई भी चलेगा, लेकिन बीजेपी से चलेगा। बीजेपी से चलेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ जो भी अभी प्रोटेस्ट वगैरह को लेके हो रहा है, ठीक है, जैसे कि NRC को लेके हो गया, कुछ लोगों को जानना है नहीं, ऐसे ही कुछ भी लेकर उठ पटांग करके कुछ रूमर फैला देना, सारे पार्टियों को देख लो आप, लोग रूमर ही फैला रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बीजेपी। अच्छा, तो आपको बीजेपी का ही चाहिए, कोई भी हो? तेजस्वी यादव। क्यों? अभी देखिए बिहार में बहुत सारे जो ये रोजगार निकलते हैं, जैसे दरोगा का हो चाहे BPSC हो, उसमें बहुत तरह का धांधली आता है। अभी हाल फिलहाल 3-4 महीना पहले BPSC का बहुत सारा मेंबर भी उस धांधली में लिप्त था, पकड़ाया भी है। तो तेजस्वी यादव को आना चाहिए एक बार। तेजस्वी यादव? हाँ। नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। क्यों? कारण ही कि कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा, और कोई कारण नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए नीतीश, इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं है? और कोई ऑप्शन नहीं। ओके, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद टिपू हुआ। आपके हिसाब से कौन होगा? अभी फिलहाल जैसे देखा जाए तो भी नीतीश कुमार ही बेहतर है, मतलब हर चीज़ में, मतलब ग्रोथिंग वगैरह जो भी अभी चल रहा है वो, और उसके अकॉर्डिंग भी कुछ बढ़िया नेता तो दिख नहीं रहा फिलहाल में। तो आपके हिसाब से नीतीश बेहतर है? जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने लड़कियों के पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, तो मैं चाहूँगी कि नीतीश कुमार ही इस बार भी हमारे CM बने। नीतीश कुमार? ओके, आपका नाम? श्वेता। श्वेता, आपके हिसाब से कौन? नीतीश कुमार है। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका काम अच्छा लगा है, तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। रोड वोड सब सही हो गया है, एजुकेशन भी सुधरा है, तो सारा कंडीशन तो सही हो रहा है, तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार आगे भी सही करेंगे। ओके, और आपका नाम? कल्याणी। कल्याणी, आपके हिसाब से कौन? मैं भी नीतीश कुमार का ही नाम लेना चाहूँगी, सेम रीज़न है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी डेवलप कर रहा है हमारा स्टेट, इसलिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ किए हैं हमारे पटना के लिए, आप देख सकते हो हर जगह डेवलप्ड है। ओके, बहुत डेवलपमेंट है यहाँ पे पहले से। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार जी। आपके हिसाब से नीतीश कुमार? क्यों? बहुत कुछ डेवलप हो गया है पटना में आज उनकी वजह से, लड़कियाँ बहुत सेफ मतलब फील करती हैं यहाँ। बस तो जैसा कि आपने पटना के लोगों की राय सुनी, सबकी अलग अलग राय थी, सबका अपना अपना वजह था, सबने अलग अलग नाम लिए, कोई नीतीश कोई तेजस्वी, तो कोई किसी और को बनाना है चाहता है मुख्यमंत्री। तो हम ये लगे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की राय है, लोगों से बातें कर रहे हैं कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप जुड़े रहे हैं लाइव सिटीज़ के साथ, और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। लालू जी के राज में बनिया ठसकड़ा, इसमें बंदी है, चोर पकटमारी है, काला धंधा हो रहा है, गरीब के कोई के सहारे नहीं है, तो क्या कहें? देख ही रहे हैं कि बिहार में कितना दारू बिक ही रहा है, कुछ काम हो रहा है। तो आपके हिसाब से जौन गली में घुसिए तो दारू या दारू नजर आता है जी। मेरे हिसाब से नेक्स्ट मुख्यमंत्री भी हमारा नीतीश कुमार ही होना चाहिए। बस नीतीश कुमार को बनाना नहीं चाहेंगे। नीतीश को नहीं बनाना चाहिए? हाँ। क्यों? क्योंकि उसका काम को मेरे को मतलब पसंद नहीं आया, पढ़ाई के रिलेटेड जो भी एजुकेशन रिलेटेड अच्छा से काम नहीं कर रहा है, और फिर क्लीनिंग रिलेटेड अच्छा ध्यान नहीं दे रहा है, इसी कारण नीतीश कुमार नहीं बनाना चाहेंगे। और फिर सुशील मोदी बना सकते हैं। सुशील मोदी को? हाँ। आपके हिसाब से? उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तेजस्वी से तो हो नहीं सकता है। अच्छा, लालू जी के राज में बनिया ठसकड़ा, इसमें बंदी है, चोर पकटमारी है, काला धंधा हो रहा है, गरीब के कोई के सहारे नहीं है, तो क्या कहें? देख ही रहे हैं कि बिहार में कितना दारू बिक ही रहा है, कुछ काम हो रहा है। तो आपके हिसाब से जौन गली में घुसिए तो दारू या दारू नजर आता है जी। मेरे हिसाब से नेक्स्ट मुख्यमंत्री भी हमारा नीतीश कुमार ही होना चाहिए।